मौला, ए मेरे मौला, मौला मौला, ए मेरे मौला, मौला मौला मौला, ए मेरे मौला, मौला अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक, अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक, किस्मत मेरी जगा दे, किस्मत मेरी जगा दे दोनों जहां के मालिक, ऐ मेरे मौला 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 मौला, ए मेरे मौला मौला मौला। बरसों से आरज़ू है तैबा की जुस्तजू है, बरसों से आरज़ू है तैबा की जुस्तजू है, एक बार ही दिखा दे, एक बार ही दिखा दे दोनों जहां के मालिक, ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। इश्क़े नबी की खुशबू करियाए जाम में रख दे, इश्क़े नबी की खुशबू करियाए जाम में रख दे, उल्फत में दिल बसा दे, उल्फत में दिल बसा दे दोनों जहां के मालिक, ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला, ऐ मेरे मौला 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 मौला, माशाल्लाह सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। बहुत दुआएं तौबा आपके लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ी कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आप देख रहे हैं माहे रमज़ानुल मुबारक की ये बेहतरीन ट्रांसमिशन, फ़कीदुल मिसाल ट्रांसमिशन ARYQ TV पर, और जिसे उन्वान दिया गया है जनाब माहे रमज़ान और ख़वातीन। शान रमज़ान में जैसा कि आप जानते हैं कि यह सेगमेंट है ख़वातीन के लिए बिलखसूस तैयार किया गया है। आज जनाब हम बहुत खुश भी हैं और खुश इस हवाले से हैं कि परवरदिगार आलम का शुक्र अदा कर रहे हैं, इजहार तशक्कुर भी उसकी बारगाह में कर रहे हैं कि उस पाक परवरदिगार आलम ने हमें ये माह रमज़ानुल मुबारक सेहत और सलामती के साथ इस माह के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई। 29 रमज़ानुल मुबारक है आज, और आज हमने अपना 29वां रोज़ा अख्तियार किया। कुछ मकमूम भी हैं, कुछ उदास भी हैं, और उदास यूँ भी हैं कि हो सकता है कि आज ये हमारा आखिरी रोज़ा हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्ज़त से हमें इसको रुख्सत करना पड़े, या अल्लाह की अता से हमें एक और रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा दे तो उसकी बड़ी करम नवाजियां हैं। तो यही बात है कि परवरदिगार आलम के इज़्ज़त से हमने ये रोज़े रखे। इलाही दुआ है उसकी रब की बारगाह में कि परवरदिगार हमने जो भी छोटी छोटी इबादतें की हैं उसका हक तो सही तौर पर अदा नहीं कर सके, लेकिन परवरदिगार तो हमारी इबादतों को अपनी शान के मुताबिक कबूल मंजूर फरमा। अलविदा अलविदा माह रमज़ा। अलविदा के हवाले से चंद अशार आपके खिदमत में पेश कर रही हूँ कि अलविदा ए माह रमज़ा तेरी अजमत को सलाम, अलविदा ए माह रमज़ा तेरी अजमत को सलाम, और तेरी आमद के में सदक़े तेरी रहमत को सलाम, तेरी आमद के में सदक़े तेरी रहमत को सलाम, तू
जो आया साथ लाया आसमां से रहमतें, तू जो आया साथ लाया आसमां से रहमतें, तेरे सदक़े जो मिली हर एक नेमत को सलाम, तेरे सदक़े जो मिली हर एक नेमत को सलाम। और आबिदों ने फैज़ पाया कितना रब की रहमतें, आबिदों ने फैज़ पाया कितना रब की रहमतें, आबिदों के जिक्र को और उनकी इबादत को सलाम, उनकी इबादत को सलाम। और फतह मक्का 20 रमज़ानुल मुबारक को मिली, फतह मक्का 20 रमज़ानुल मुबारक को मिली, फातह मक्का के चेहरों की मुसर्रत को सलाम, फातह मक्का के चेहरों की मुसर्रत को सलाम। और हालत रोज़ा में थे सब जान सारान नबी, जो लड़े जंगे बदर उनकी शुजात को सलाम। और साथ छोड़ा जिन्होंने फातिमा के लाल का, साथ ना छोड़ा जिन्होंने फातिमा के लाल का, साथ ना छोड़ा जिन्होंने फातिमा के लाल का, उन 72 रोज़ेदारों की ताकत को सलाम, उनकी रफाकत को सलाम। जनाब आखिरी शेर के, हश्र में खालिद ये सोना जागना काम आएगा, हश्र में खालिद ये सोना जागना काम आएगा, सहरियो अफ्तार की हर एक सुन्नत को सलाम, सहरियो अफ्तार की हर एक सुन्नत को सलाम। अलविदा अलविदा माह रमज़ा के ताल्लुक से आज हम इस प्रोग्राम को पेश करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। जनाब आज जो शख्सियत रौनक अफरोज़ है हमारे इस माह रमज़ान और के सेट पर, बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं माशाल्लाह, इनका मुनफरिद अंदाज़ है। हमारे साथ इस माह मुबारक को रुख्सत करने के लिए दाता की नगरी से तशरीफ़ लाई हैं सबाहत रमज़ान साहिबा, तशरीफ़ फरमा है, वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मिजाज बख़ैर हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब मेरी दूसरी जानिब जो शख्सियत रौनक अफरोज़ हैं, उनका हमारा पूरे माह ही गाहे बगाहे साथ रहा है, ज़रमीना नासिर साहिबा मौजूद हैं, आप सभी ने जानते हैं पसंद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। आज जो बच्ची हमारे पास सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से तशरीफ़ लाई है, बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत प्यारा आगाज़, तूबा शोएब यहाँ मौजूद है, वेलकम करते हैं, सलाम भी पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। सबाहत, जिस तरह से अलविदा हम रुख्सत कर रहे हैं इस माह मुबारक को, लेकिन हमने कुछ चीज़ें अपने अंदर इसकी तब्दीली पैदा करनी है, कहीं कहीं हमने क्या सीखा ये भी हमें रियलाइज़ करना है, महासबा भी करना है अपना। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप यहाँ से आगाज़ कीजिए कि जो माह मुबारक है बहुत बड़ी तब्दीली लेकर हमारी ज़िंदगियों में आता है, क्या समझती हैं, कैसे देखती हैं इस तब्दीली को, आप फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, और मैं समझती हूँ तरबियत के लिए सवाल आपका बहुत अहम है और बड़ी अहमियत का हामिल है। बुनियादी तौर पर ये जो रोज़े फ़र्ज किए गए हैं और इसके ऊपर गुफ्तगू भी बहुत हुई और हमें मालूम है कि अल्लाह की तरफ से फ़र्ज किए गए हैं। आपने जब अशार पढ़ रही थी तो अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें आती हैं, तो ये जो सोने जागने का है ना, तो रमजान में जो जागना है ना जी, वो सोना है। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। रमजान में जो जागना है वो सोना है, और ये वो सोना है जो कदर कीमत वाला है, ये खोने वाला नहीं। काश पहुंच जाए ये बात आपकी जी। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर अगर बज़ाहिर हमें जिंदगी को हम देखें एक मुसलमान की, इस्लामी माशरे की, तो रमज़ानुल मुबारक और रोज़े ये आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालकर मुशक्कत में ले आता है। आप जिस कंफर्ट जोन में रमज़ान के अलावा ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से शबो रोज़ के अंदर मामलात की तरतीब और जो तरीक़ाकार होता है रमज़ानुल मुबारक रोज़े, उससे निकाल कर आपको एक ख़ास ट्रेनिंग में और एक ख़ास नज़रिए के तहत, जब सोना ज़रूरी होता है आम दिनों में उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है कि जाग जाओ। वाह। जब आपने दुनिया में नॉर्मल हालात में आउट ऑफ रमज़ान आपने पानी पीना होता है दिन में जो चाहे करें, रमज़ान में अल्लाह ताला कहता है फुल स्टॉप, आप यहीं रुक जाइए, सही है, जायज़ चीज़ों को रोक दीजिए। बुनियादी तौर पर ये आपके कम्फर्ट जोन से निकालता है। दूसरी चीज़ में आपको बड़ी डिफरेंट जो मैं समझती हूँ, इबादत में जो सबसे तवील मतलब इबादत है वो रोज़ा है। आप ये देखिए कि अगर दिन के एतबार से देखें तो कई घंटों पर मुश्तमिल उसकी प्रैक्टिस है, और सिर्फ इफ्तार और सहरी भी उसमें शामिल हैं।
राइट, उसका भी तरीका और सलीका है, उसका भी क्या है तरीका, मतलब वजा किया गया है किस टाइम पर करना है, कितना करना है। फिर आप इसमें रोजा रखकर इफ्तार और सहर से फ्री होकर आप बिल्कुल ही किसी चीज से मतलब फ्री होकर अलग नहीं हो जाते, बल्कि उसके बाद कहा कि कयामुल लैल, आ जाइए मस्जिद में, मस्जिद में नहीं आते खवातीन घर में, और तरावी पढ़ लीजिए। बुनियादी तौर पर आपके कंफर्ट जोन से निकालकर, आपको मुशक्कत भरी इबादत देकर आपको अल्लाह तबारक व ताला कुछ देना चाहता है। हीरे पर जब चोट लगती है उसको तराशा जाता है तो चोट लगती है, जब चोट लगती है तो उसकी चमक में क्या होता है, इजाफा होता है। तो बुनियादी तौर पर रमजान जो है हमारे शबो रोज को मुनफरिद करते हुए हमारे किरदार को डिफरेंट करने, चमकाने, आपके अंदर अज़्म मुसम्मम पैदा करने, आपके अंदर कुव्वत इरादी पैदा करने और इनफिरादी और इज्तिमाई इबादत अदा करने का सलीका सिखाता है। ये वाहिद इबादत है, मैं आपको बताऊं, जिस चीज के अंदर इनफिरादियत भी पाई जाती है और इज्तिमाईयत भी पाई जाती है। दुनिया के हर कोने में जिस टाइम पर रोजे की इफ्तार होगी, मुसलमान उस टाइम पे कैलकुलेटेड टाइम जो उस पे कर रहे होंगे, आप उसके साथ शामिल हैं। लेकिन रोजा आपने जब रखा है तो इंडिविजुअली आपको पता है कि आपने रखा हुआ या नहीं रखा हुआ, उसका इजहार अल्लाह और आपके दरमियान क्या है, एक खास ताल्लुक है। तो कुव्वत इरादी, अज़्म मुसम्मम और आपका जो रब से ताल्लुक है वो इसको डेवलप करता है और मुनफरिद अंदाज से करता है और आपके शबो रोज को बिल्कुल यकसर तब्दील करता है। और मैं समझती हूँ कंफर्ट जोन से निकलना और खास ट्रेनिंग हासिल करना, और ये सिर्फ इसी महीने तक महदूद नहीं होती, ट्रेनिंग जो है कुछ महीनों पर या कुछ दिनों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन उसके असरात पूरी आपकी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। इसको पकड़ के रखना है यानी जी इत्तेसाम, इसको थाम लेना, गिरफ्त कर लेना। असल में तो दुआ ये करनी चाहिए कि ये हमें थाम ले, जब ये थाम लेगा तो ये छोड़ेगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जर्मीना नासिर साहिबा, जिस तरह से ये गमखारी का महीना है, हम इस माह मुबारक में कदरे ज्यादा देखते हैं कि लोग हमदर्दी भी करते हैं, एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल भी रखते हैं, मसावात, हर चीज बहुत ज्यादा इस माह मुबारक में पाई जाती है। मैं ये चाहूंगी कि अगर हम आइंदा भी पूरे महीने, दीगर महीने भी इस रूटीन को अब थाम के रखें, इस बात को बांध के रखें, तो कैसे मुआशरे पर मुस्बत असरात मुरत्तब होते हैं, फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान बेसिकली एक रिफ़्रेशर कोर्स है, और जो हमदर्दी और गमखारी की आपने बात की, बेसिकली इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना। जब एक इंसान अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करता है, वो मसाजिद पर ख़र्च करता है या मदारिस पर ख़र्च करता है, उसको भी अल्लाह की राह में ख़र्च करना वो भी कहलाता है। और जब एक इंसान मदद करता है किसी ऐसे इंसान की जो दीन के रास्ते पर निकला है, उसे भी अल्लाह की राह में ख़र्च करना कहा जाता है। और जब एक इंसान किसी बेवा की मदद करता है, हमसाए की मदद करता है, गरीबों और फ़ुकरा और सकीन की मदद की जाती है, ये भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह ताला की राह में खर्च करना कहलाता है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम खजानों का मालिक व मुख्तार है, एज़ वी नो ऑल, कि अल्लाह ताला ने ये इख्तियारात आर्जी तौर पर इंसान को अता फरमाए हैं कि वो दूसरों की मदद करे। अब इंसान इस अंदाज से खर्च करे कि अल्लाह ताला की जो रहमत है उसका हुसूल उसके लिए मुमकिन हो जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। जैसे कुरान पाक की आयत का मफहूम है कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसे तुम अल्लाह ताला की राह में खर्च करो और दूसरों की मदद करो। जब भी लौट कर आएंगे तो जरूर आपके इस पॉइंट को मजीद आप बेहतर तरीके से बयान फरमाइएगा। वक्फा लेते हैं, हाजिर होते हैं। बस एक
बस्ती में जमाना धूप है और छांव है बस एक बस्ती में दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बान मदीने के मुसाफिर तुझ बताती है तेरी मंजिल मदीना है तेरी आँखें बताती है तेरी मंजिल मदीना है शरफ मुझको सुभान अल्लाह माशा अल्लाह बहुत सलामत रहिए बहुत प्यारा आपने पढ़ा माशा अल्लाह हर एक मौजे बला की राह में हायल मदीना है बहुत खूबसूरत अंदाज़ जनाब हम बात कर रहे हैं आज अलविदा अलविदा माह रमज़ान के ताल्लुक से और आप देख रहे हैं ये माह रमज़ानुल मुबारक की फ़कीदुल मिसाल ट्रांसमिशन शान रमज़ान और नेमत इफ्तार में सेगमेंट आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं जनाब माह रमज़ान और ख़वातीन खुश आमदेद कहते हैं आपको हम बात कर रहे थे वक्फ़े पर जाने से कबल के हम ये गमखारी का महीना है इसमें लोग कसरत से खर्च करते हैं लोगों की सहूलतों का उनकी ज़रूरियात का ख्याल भी करते हैं ज़रमीन आपकी जानिब आऊँगी इसी ताल्लुक से आप पॉइंट बयान कर रही थी फरमाइएगा ये कह रही थी कि जब इंसान इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का मुसलमान एहतमाम करता है तो उखरवी उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो हैं ही हैं दुनियावी में बहुत सारे उसको फ़वाद हासिल होते हैं ऐसी यूनिटी ऐसा इत्तेहाद मुआशरे के अंदर पैदा हो जाता है जिससे मुआशरा प्यार मोहब्बत और अमन सुकून का मरकज़ बन जाता है मुआशरे के अंदर से गुरबत और अफलास का खात्मा होता है पॉवर्टी ख़त्म होती है और तबकाती जो डिफरेंसेस हैं वो दूर होते चले जाते हैं और ज़ैनब यही तो इस्लाम चाहता है फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया कि हदीसे कुदसी है अल्लाह फरमाता है अनफिक उनफिक अलैक कि तुम खर्च करते रहो तो तुम पे खर्च किया जाता रहेगा जिसका मफहूम है कि डेफिनेटली रिवार्ड्स हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अता होते हैं और जब इंसान अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करता है एक नहीं बल्कि दो चीज़ों का एहतमाम करता है तो
रहमत इलाही की सदा उसके उसको जन्नत के दरवाजों में से अता होती है, गोया उसके ये जन्नत में जाने का सबब है। हजरत अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बात की जाए, उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपके हवाले से मिलता है कि आप शकर की बोरियां सदका किया करते थे, और जब आपसे दरियाफ्त किया गया कि आप इसकी कीमत क्यों नहीं वसूल करते, तो आप फरमाते हैं मुझे ये मरगूब भी बहुत है और महबूब भी बहुत है, लेकिन ये मैं बतौर खास अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में पेश करता हूँ अपनी जानिब से। तो डेफिनेटली हमें माह रमजान मुबारक का फायदा उठाते हुए, कितने बेशकीमत लम्हात हैं, हमने खर्च करना है अपने लिबास के, किसी के लिबास की मदद करनी है, रकम के थ्रू किसी की मदद करनी है, गिरते हुए को उठाना है, रोते हुए को हंसाना है, किसी को मुस्कुराकर भी देखना सदका जारिया है, और इवन किसी के लिए तकलीफ का सामान। अगर इन तमाम उसूलों जवाबित को हम दीगर महीनों में भी लागू करेंगे तो मुआशरे पे बहुत मुस्बत जो है असरात मुरतब होंगे। आपकी जानिब आना चाहूंगी सबाहत, ये जो हम सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो ये कंट्रोल सिखा देता है माह रमजानुल मुबारक। किरदार साजी अगर हम इसको पेश नजर रखते हुए देखें, अपनी किरदार साजी कैसे कर सकते हैं आइंदा भी आने वाली जिंदगी में, आइंदा आने वाले लम्हात में, फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। असल में जो सेल्फ कंट्रोल है, बुनियादी तौर पर अगर हम उसको उर्दू में मफहूम बयान करूँ तो उसका मतलब है सब्र, रोक लेना, बर्दाश्त करना, रुकना। और यही अजरुए हदीस में इशारा ये क्या कि रोजा क्या है, सब्र है, रुक जाना है। और रुक जाना किस चीज से है, ये भी समझना जरूरी है कि हम आम हालात में रमजान के अलावा जिन चीजों को जारी रखते हैं रमजान में, उन चीजों से भी रुक जाना। बुनियादी तौर पर इसकी वजह है ये कि हम एक कंट्रोल्ड सिस्टम में आते हैं और हमारी लगाम जो होती है वो अल्लाह के हाथ होती है। ठीक, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जिस तरह के तुम पर रोजे फर्ज किए हैं तुमसे पहले भी फर्ज किए गए, और इसका मकसद क्या है, तकवे का उसूल है। और तकवा बुनियादी तौर पर हर एक इबादत का एक हिस्सा है, और मैं कहती हूँ सब्र जो है वो तकवे का बुनियादी हिस्सा है और हर इबादत का भी हिस्सा है। जब तक आप अपने आप को किसी चीज पर रोक कर वहीं रुक जाइए, साइंस भी ये कहती है कि सब्र का पहला स्टेप ये है कि जब आपके ऊपर कोई चीज वारिद हो, मुसीबत हो, व्हाटएवर जो चीज है, उसी वक्त इमीडिएट आप उस वक्त रुक जाएं। वो रुकना ही एक बहुत बड़ा स्टेप होता है सेल्फ कंट्रोल का। और ये जो होती है ट्रेनिंग होती है, जैसे कि रमजान मुबारक में आपको आम तौर पर हराम काम से रोकने के लिए नहीं कहा गया, इसके अंदर हलाल चीज भी तबीयत के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाए कि जब मालिक कहे कि रुक जाएं तो रुक जाएं, बर्दाश्त करें तो बर्दाश्त कर लीजिए। और फिर इसके असरात आपकी अपनी जो शख्सियत पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो होती है उसमें ये बड़ा सबसे पावर टूल होता है कि आपके अंदर कितनी बर्दाश्त है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अच्छा रुकना किस चीज पर, ख्वाहिशात पर। अगर तुम एक कदम अपनी ख्वाहिशात पर रख दो तो दूसरा कदम कहाँ होगा, जन्नत में होगा। फिर सब्र की, सेल्फ कंट्रोल, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपने जैसे फतह मक्का की दी है, वो वाकया हमें जब नजर आता है और रमजान से मुतालिक नजर आता है, आप देखें कि सब्र का कितना बड़ा, और अंबिया इकराम का ये खासा है, उन्होंने पूरी जिंदगी इसकी तालीम दी, और अल्लाह तबारक व ताला एक मखसूस महीने में मुसलमानों को सब्र की, सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग देता है, उनकी शख्सियत को संवारता है। किरदार साजी अल्लाह ताला चाहता है, और यहाँ पर ये कंट्रोल्ड सिस्टम है। और फिर एक महीने के बाद जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लें तो फिर वही चीज अपनी जात में उसको आप जारी रखें, फिर आपका किरदार सामने आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जर्मीना, जिस तरह हम इस माह मुबारक को मेहमान महीना कहते हैं, दर हकीकत हमारी जिंदगियों का भरोसा नहीं, हम खुद एक मेहमान हैं। तो अगले साल ये महीना तो आएगा, लेकिन हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं कि ना जाने पिछले साल कितने लोग थे, वो थे इस माह मुबारक में, इस माह मुबारक में वो नहीं थे, अब आइंदा कौन है कौन नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी ना, हलाक वो शख्स के जिसने इस महीनों को पाया और बख्शिश व मगफरत ना करवाई। कैसे बख्शिश व मगफरत का जरिया है, कैसे इस माह मुबारक में हम अपनी बख्शिश व मगफरत करवाएं, उस रब को कैसे राजी करें, फरमा दीजिए। ये वो खूबसूरत महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतों का नुजूल कसरत के साथ होता है, उसकी बरकतों का नुजूल बड़ी शिद्दत के साथ होता है, और उसके करम की बारिश बड़ी खसूसियत के साथ हमें नजर आती है। सो ये बेश कीमत महीना है, माह तरबियत है, हमारी तरबियत का महीना है, हमारे लिए एक रिफ्रेशर कोर्स है। सो हमने इसको, इसके एक एक लम्हे को गनीमत समझते हुए इसको अपने लिए बख्शिश
बख्शिश और मगफिरत का जरिया बनाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम यकीनन इसको समझने के लिए काफ़ी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को अगर ये मालूम हो जाता कि माह रमज़ान मुबारक में कितना फ़जल और अल्लाह ताला की कितनी अताओं के दर खोल दिए जाते हैं, तो उम्मत ये दुआ करती कि काश सारा साल ही माह रमज़ानुल मुबारक होता, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें हमारी जो इबादत है मल्टीपल टाइम्स अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अजर अता फरमाता है। अब हमने इसके एक एक लम्हे को गनीमत समझते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और रियाजत का भी एहतमाम करना है, दूसरों की गमखारी के लिए भी हमने कोशिश करनी है ताकि ऑल ओवर द ईयर भी इसको प्रैक्टिस में लाया जा सके। और फिर गनीमत इसलिए भी जानना है क्योंकि हम नहीं जानते कि नेक्स्ट ईयर, जैसे आपने कहा कि मेहमान तो हम हैं, नेक्स्ट ईयर हम होंगे या नहीं, अगर होंगे तो रोज़ा रख पाएंगे या नहीं, या मुस्तैद होकर अल्लाह ताला के हुजूर सर बसजूद हो सकेंगे या नहीं। तो इस माह मुबारक को गनीमत जानते हुए आका अलैहिस्सलाम की उस हदीसे मुबारक के मफहूम के अकॉर्डिंग कि अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को मोहताजगी से पहले, अपनी फुर्सत के लम्हात को मशगूलियत से पहले, और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले। तो हमने इसमें कसरत से अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत का और तौबा और बख्शिश का इसको ज़रिया बनाना है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों के दर यकीनन खोल दिए हैं, कसरत से आमाले सालिया इसमें उठाए जाते हैं, अल्लाह ताला उनको कुबूल व मंजूर फरमाता। और जैसे आपने एक हदीस मुबारक का मफहूम कोट किया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया उस पर तीन बार मिंबर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपने आमीन फरमाया। ये बहुत प्यारी हदीस मुबारक है, मैं चाहूँगी इसको आप अच्छी तरह से जब हम लौट कर आएंगे क्योंकि हमें वक्फे पर जाना है तो आप ज़रूर इसको बयान कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जनाब आप देख रहे हैं माह रमज़ान और ख़वातीन ARYQ TV पर। ख़ुसूसी तौर पर आप सबके लिए इस सेगमेंट को तरतीब दिया गया है शान रमज़ान में, और आप नेमत अफ्तार में इस सेगमेंट को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं और विदा कर रहे हैं मोहब्बत के साथ इस माह मुबारक को। रब्बे कायनात से दुआएँ भी मांग रहे हैं कि परवरदिगार आलम हमें आइंदा साल इस माह मुबारक को वो परवरदिगार अता फरमाए तो सेहत के साथ सलामती के साथ अता फरमाए। बात हो रही थी अलविदा के हवाले से, बख्शिश व मगफरत के हवाले से मेहमान शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। हदीस मुबारक का जिक्र कर रही थी आप, बहुत खूबसूरत हदीस मुबारक है, मैं चाहूँगी उसको बयान। बेशक उस हदीस मुबारक का मफहूम है कि हलाक हो जाए वो शख्स, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला की रहमत उस शख्स से दूर हो जाए जिसको माह रमज़ान मुबारक मैसर आया और उससे उसने अपनी बख्शिश और मगफरत का हुसूल मुमकिन नहीं बनाया। तो बेशक मिला के तजल्लियात को ये रमज़ान बना दिया, हुसूल बरकात के लिए फिर इंसान बना दिया, और कोई देख सकता है तो देख ले इस महीने में महमूद कल्बे मोमिन को रब ने अपना मकान बना दिया। तो हमने तौबा इस्तगफार का कसरत से एहतमाम करना है। तौबा क्या है? हमारा लौट आना कि हम लौट रहे हैं, और फिर वहाँ से जो ना लौटने का आज़म है ना कि हमने उस तौबा पर कायम रहना है, उसको हमने अपनी ज़िंदगी का करीना बना लेना है। और यकीनन इस माह मुबारक में चूँकि ये हमारा रिफ्रेशर कोर्स है, जब हम तौबा करेंगे उस पर कायम रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता होगी, ऑल ओवर द ईयर भी इसको हम प्रैक्टिस कर सकेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबाहत मैं ये ज़रूर आपसे इस बात को बार बार, हमने कल भी इस पर महासबे के हवाले से खुद एहतसाबी के हवाले से बात भी की थी प्रोग्राम में, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि हमें हकीकतन इस अंदाज से हमें अपना महासबा करना चाहिए कि क्या जो अहकामात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं, क्या कुरान जो अहकामात हमें देता है, सही तरीके से हमने इस माह मुबारक को पाया और हमने वैसा हक अदा किया जैसा कि हक करने का अदा करने का हक था। फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन सामा रमदाना ईमान व एहतिसाबन गुफिरा लहू। तो बुनियादी तौर पर रोज़े के मफहूम में से सबसे बड़ा जो मकसदियत उसके अंदर पोशीदा है वो यही है कि रमज़ान जिसने पाया और उसके रोज़े रखे ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, तो उसे बख्श दिया गया, उसे माफ़ कर दिया गया। और आप ये देखिए कि ईमान का जो ताल्लुक़ होता है इसमें जो रमज़ान के रोज़ों के साथ, दो चीज़ें अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई हैं। गुफ्तगू चूँकि एहतिसाब के हवाले से है तो मैं ईमान को सिर्फ टच करते हुए मैं चाहूँगी कि निकलूँ। तो बुनियादी तौर पर ईमान का आपका इंटरनल जो है वो मामला होता है और इंटरनल कैफियत से ताल्लुक़ रखता है। यकीन, अकीदा, ईमान रखना, उसका इजहार आपके आमाल से होता है, और जब वो आमाल सुदूर होते हैं तो सुदूर होने के बाद आमाल कैसे हैं फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है।
एक होती है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और एक अल्लाह की अकाउंटेबिलिटी है। बुनियादी तौर पर अल्लाह की अकाउंटेबिलिटी से पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी कर लीजिए, अपना एहतिसाब कर लीजिए। और अगर इसको आसान लफ्जों में, बहुत आसान लफ्जों में बयान करूं तो अपना जरा हिसाब किताब सेट कर लीजिए, उसको दुरुस्त कर लीजिए। अच्छा, हिसाब किताब किस में दुरुस्त करना है? रमजान में ऐसी क्या चीजें हैं जिसके अंदर एहतिसाब जरूरी है? बुनियादी तौर पर जो चीजें रमजान में अल्लाह तबारक व ताला ने फर्ज करार दी हैं और जो रमजान की मकसदियत के हवाले से हैं कि तुम रोजा रखो, उसको कायम रखा जाए, नमाज को वक्त पर अदा किया जाए उसकी शराइत के साथ, जिस तरह के उसका हक है, किसी भी चीज को उसके हक के साथ अदा करना ही उसका दुरुस्त होना होता है। जब उसकी हक तल्फी की जाती है किसी अमल की, तो वो उस वक्त एहतिसाब के कटहरे में आ जाता है। उस एहतिसाब से और उस कटहरे में बचने के लिए उस आमाल को जिस तरह इख्तियार करने का हक है उसे इख्तियार किया जाए। और उसका असल जो मयार है वो क्या है? वो अल्लाह के नबी हैं। कि अल्लाह के नबी और सहाबा इकराम, आपको मैं बात बताऊं कि रमजान से पहले शाबान से सहाबा इकराम की तैयारियां शुरू हो जाया करती थी। वो अपने सारी तिजारती लेन देन और हिसाब किताब उसको वाइंड अप कर लिया करते थे ताकि मुस्तैद हो जाएं और रमजान की तमाम बरकात का हुसूल आसान हो जाए। उनका असल मकसद वो बाजार में जाना था जो अल्लाह ताला ने रमजान में खोलना था, नेकियों का सबकात ले जाएं, इसके ऊपर सबकत ले जाएं नेकियों के ऊपर। क्या है? नमाज वक्त पे कायम करें। और अल्लाह ताला तो फरमाता है ये बड़ा अच्छा बिजनेस है कि अगर तुम नफिल पढ़ोगे तो मैं उसका सवाब तुम्हें फराइज के बराबर दूंगा, अगर तुम फर्ज अदा करोगे तो उसका 70 गुना, और अल्लाह की रहमत से क्या बईद है कि वो 700 गुना और 7000 गुना दे दे, ये तो उसकी रहमत है। तो बुनियादी तौर पर जो इबादत, जो वक्त हमें मिल रहा है रमजान में, उसको अवेल करना, उसको यूटिलाइज करना, उसके सिंगल मोमेंट को भी अल्लाह की रिजा में गुजारना, ये बुनियादी तौर पर एहतिसाब से, यानी अपने टाइम को कैलकुलेट कीजिए कि आपने किस टाइम पर क्या करना है। अलावा इसके कि वो चीज़ें जो फिक्स हैं रोजे के टाइमिंग्स, इसके अलावा जैसे कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह एक बड़ी अच्छी इबादत, और शुरू में मैंने जिक्र किया कि ये तवीलुल मुद्दत इबादत है, पूरे महीने की ट्रेनिंग है, और इसके अंदर सिर्फ एक इबादत नहीं है बल्कि नमाज भी आ जाती है, रोज़ा भी आ जाता है, ज़कात भी आ जाती है, सब्र भी है, तकवा भी है, और फिर देखें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एहतिसाब भी है। और एहतिसाब अपना खुद है कि आप किस जगह पर खड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं और अल्लाह आपसे क्या चाहता है। इसको आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से समझें। और जिस तरह अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी जिस तरह रमजान में सदकात और खैरात करते थे और जिस तरह नमाज और इबादत और बाकी मामलात उनके हुआ करते थे, वो पूरी जिंदगी मतलब पूरे साल उस तरह नहीं हुआ करते थे। यानी परवरदिगार आलम से हम ये दुआ जरूर करते हैं और हर एक मोमिन की ये दुआ है कि परवरदिगार हमें ऐसा कर दे कि जैसा अल्लाह और उसका रसूल चाहता है। यानी जब अजान की आवाज़ हमारे कानों में आती है, और हम अक्सर ये बात में जब सोचती हूँ कि बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे घराने ऐसे हैं, अभी बहुत ज़्यादा रौनक है माशाल्लाह फजर के टाइम पर और लोग तहज्जुद के वक्त से उठे हुए होते हैं, लेकिन शायद फजर की बहुत सारे घर ऐसे भी हैं कि जहाँ पर यह फजर की अजान सुनना रमज़ान के बाद शायद हमारे कान तरस जाते हैं, क्योंकि वो लम्हा और वो वक्त हम उस रूटीन से बिल्कुल हट जाते हैं। तो हमारी इस बात का मकसद यही है कि जो ट्रेनिंग हमारी इस माह रमज़ान हो गई है उसको उसी पर कायम रहना है। उस ट्रेनिंग को हमने मजबूती से, जैसे एक फौजी जवान खड़ा हो जाता है, जिस तरह से मुशक्क़त के साथ हम रमज़ान में लगे होते हैं, इफ्तार में भी, इबादत भी, सारा कुछ हम मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो रब हमसे राज़ी हो जाए, तो फिर दीगर महीनों में हम ऐसी मुशक्क़त के साथ क्यों नहीं डटे रहते, क्यों नहीं खड़े रहते। ज़रमीना आप हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगी हमारी बहनों को इस हवाले से कोई पैगाम भी दीजिएगा, गुजरते हुए लम्हात हैं और कुछ ऐसी बात हमारी बहनों को बताइए, क्योंकि अक्सर अब जैसे चांद नजर आ जाएगा तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि बस सब कुछ खत्म हो गया, अब दुनियावी मामलात में हम दाखिल हो जाते हैं। फरमाइएगा। बिल्कुल, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की कोशिश करनी, और माह रमजान चूंकि रुखसत होने को है तो रुखसत होते हुए लम्हात में भी हमने अपनी मगफिरत और बख्शिश का, जो अल्लाह ने गोल्डन चांस दे दिया है ना, उसको अवेल करना है। जैसे सूरह फरकान की रोशनी में, आयत की रोशनी
में फरमाया गया इल्ला मन ताबा, जिन्होंने तौबा की, वा आमना और ईमान लाए, वा आमिला आमलन सालेहन, और जिन्होंने अमले नेक किए। तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो इस चीज़ पर कादिर है कि वो हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे। तो बेशक नबी का सदका है, करम का नुजूल है, ये इस पाक महीने का अपना मामूल है। और दिल में हो गर इश्के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महमूद, तो फिर समझ लो कि हर इबादत कबूल है। तो चूंकि हम अपने बारे में सबसे बेहतर अपना एनालिसिस करने वाले हैं, अपने खुद क्रिटिक हैं, सो हमें यह जानने की कोशिश करनी है हमने रोजे का जो तकवा और तहारत का जो मकसद है पाकीजगी का, वो सही अटेन किया, रोजे की हिफाजत का हमने सही तौर से ख्याल रखा, और हम किसी भी ओहदे पे हैं लॉयल्टी से उसको निभा रहे हैं, कहीं किसी की हमसे हक तलफी तो नहीं हो रही। तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है ताकि ईमान की इस हलावत को हम ऑल ओवर द ईयर भी पा सकें। सुभान अल्लाह। और आप देखिए कि दुनिया भूख और अफलास से डरती है, उस परवरदिगार आलम ने हमारी भूख प्यास को तो इबादत बना दिया, और हम कितनी चाहत से उस भूख प्यास को बर्दाश्त करते हैं। और जब दस्तरखान पर तमाम तर नेमतें मौजूद होती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे पर रश्क कर रहा होता है कि कितनी खूबसूरत नेमतें मौजूद हैं यहाँ पर, फिर भी मेरा बंदा रुका हुआ है सिर्फ मेरे लिए, मेरे हुक्म के इशारे पर है। सबहत आप भी कोई प्यारा सा मैसेज, आप इतनी प्यारी नगरी से आई हैं, फरमाइएगा। बुनियादी तौर पर मैं हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक कॉल यहाँ पर उनकी बात जिक्र करूँगी, और इसमें ही बहुत बड़ा पैगाम है। आखिरी दिन आप लोगों से ये कहते थे कि अल्लाह ताला काश मुझे उस शख्स को मिला दे या उस शख्स तक मैं रसाई हासिल करूँ जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और वो मकबूल हो गए हों, और इबादत की हों और वो मकबूल हो गई हों, और मुझे मिल जाए तो मैं उसको मुबारकबाद दूँ। और वो शख्स किस कदर कम नसीब है, उसका मफहूम यही है कि जिसने इबादत की मगर उसका हक अदा नहीं किया, यानी उसको उन्होंने ताबीर जो दी अब्दुल्ला बिन मसूद ने कि उसके आमाल इस तरह हैं जैसे कि मुर्दा से मुराद ये कि उसके अंदर फीलिंगलेस, यानी उसके अंदर कोई मकसदियत नहीं, यानी किए काम आमाल किए, इबादत की, रोज़ा रखे, मगर क्या हुआ कि वो उसके अंदर जो कैफियत है वो मुर्दे की सी कैफियत है। तो कहा कि उस शख्स के लिए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे तलाफी का मौका दे। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है तमाम बहनों के लिए कि वो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला के इस कॉल से नसीहत हासिल करें। बहुत शुक्रिया आपकी आवाज का, और हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई लग रहा है जब आप यहाँ पे तशरीफ लाई हैं। माशाल्लाह आप जरमीना तशरीफ लाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ भी। तूबा शोएब आप ही के आवाज़ पर इंशाल्लाह ताला इख्तिताम करेंगे। अलविदा अलविदा माह रमज़ा आप ज़रूर सुनाइएगा, बहुत अच्छा कलाम है। बस ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने लोग हमारी टीम में शामिल थे, इम्तियाज़ आप भी, बहुत प्यारा अंदाज है उनका, ज़ाहिर जुनैरा हैं, और भी जितनी इस्कॉलर्स यहाँ पर होकर गई हैं, अल्लाह ताला हमने जो एक सही की है ना, बस मकसद ये था कि हम कोई बेहतर बात आप तक पहुँचा दें और अल्लाह इस काविश को कबूल फरमा दे। और हम तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, इससे पीछे भी बहुत सारे लोगों की एफर्ट है। साइमा हमारी बहुत प्यारी बहन है, बहुत मेहनत के साथ वो हमें यहाँ पर तैयारी भी करवाती हैं और बहुत सारे अच्छे नेक मशवरे भी हमें देती हैं। कैमरे पे हमारे जितने भाई मौजूद हैं माशाल्लाह बहुत दिल जमई से काम कर रहे होते हैं। मास्टर कंट्रोल रूम में मौजिज़ भाई हैं, साबिर भाई हैं हमारे, फराज भाई हैं, और जिन जिन के मैं नाम नहीं यहाँ पर मुझे याद हैं, लेकिन मकसद यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत राज़ी हो जाए। क्योंकि जितने पूरे रमज़ान हमने यहाँ पर, निदा हमारी बहुत प्यारी होस्ट है, बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने पेश किया, बस हमारी इस सही को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ARYQTV की इस पूरी टीम को, हमारे मालिकान को बहुत सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए परवरदिगार आलम। और यही दुआएं आपके लिए भी हैं कि आप जब भी दुआ के लिए हाथ बुलंद करें तो हमारे लिए, हमें इसी तरह से अपनी दुआओं में याद रखें ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से इसी तरह से नेक काम, नेक मकासद के लिए ये जारी और सारी रहे। मेरी जानिब से फी अमानिल्लाह। قلب عاشق ہے اب پارا پارا قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان فتح ہجر و فرقت نے مارا فتح ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان
कुछ न हुस्ने अमल कर सका